नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे सिलेबस के बारे में जो कॉमन है किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी तरह की नौकरी के लिए दिए जाने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रीजनिंग या इंटेलिजेंस के नाम से इसको जानते हैं लोग अमूमन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, थ्योरेटिकल रीजनिंग, कंप्रहेंशन, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो रीजनिंग या इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखते हैं ये लोग और सिलेबस को पूछते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा इस सिलेबस के संदर्भ में, ये संदर्भ बहुत ही कॉमन रहता है सोसाइटी में। हम किसी भी थ्योरेटिकल चीज़ को पढ़ तो लेते हैं पर उसके ऊपर तर्क नहीं लगा पाते सही। वो इसीलिए क्योंकि हमारी तार्किक बुद्धि, जो दिमाग के हिस्से होते हैं जहाँ से तर्कयुक्त बुद्धि जिसको कहा जाता है, या किसी भी सिद्धांत के ऊपर बात की जाती है सोच विचार करके, उसे कहते हैं तार्किक योजनाएँ लगाना, दिमाग के द्वारा तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना। इस तरह के किसी टॉपिक के ऊपर आज बातचीत करने का मूड है मेरा और मैं इसमें बताऊंगा कि किसी भी सिद्धांतिक चीज़ के ऊपर अपन कैसे बात करें। सिद्धांत खुद अपने आप में एक तर्क है, किसी ने कोई सिद्धांत दिया वो खुद अपने आप में एक तर्क है, उसके ऊपर अपन क्या तर्क लगाएं। तो किसी भी तर्क के ऊपर तर्क लगाना और दूसरे डिफरेंट टाइप के, उसकी योग्यताएँ इस तरह के सिलेबस में पूछी जाती हैं। अब कई चीज़ों में सीरीज आती हैं, सीरीज बना के दे दी, वो सीरीज अपने आप में एक सिद्धांत। अब उसके ऊपर अपन को तर्क लगाना है कि सीरीज के अंदर और क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। कोई सादृश्यता का चैप्टर है, अब वो स्वयं अपने आप में एक सिद्धांत है, मगर इस सिद्धांत के ऊपर अपन को और कई सारे सिद्धांत सोचने पड़ते हैं और आंसर टिक करने पड़ते हैं कि भाई ये सीरीज आपने बनाई है, ये सिद्धांत आपने बनाई है, सादृश्यता आपने बनाई है, और इस सादृश्यता के ऊपर हमारा ये मानना है कि आपने जो ये कार्य किया है इस कार्य के अंदर ये कार्य भी सम्मिलित हैं जो कि छुपे हुए हैं, जो सामान्य तरीके से देखने पर दिखाई नहीं देते। इन चीज़ों को ढूंढने की जो योग्यता विकसित करनी पड़ती है वो इस टाइप के सिलेबस से आती है। इसे रीजनिंग कहते हैं, इसको ही इंटेलिजेंस ही कहते हैं, इसी को किसी और सेक्टर में योग्यताएँ कहते हैं, तार्किक योग्यताएँ कहते हैं, तार्किक बुद्धिमत्ताएँ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इस टाइप के सिलेबस में। अब इसके ऊपर हम काम कैसे करें, जैसे कि घड़ी है, घड़ी में 12, 6, 9 बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब वहाँ घड़ी है, घड़ी अपने क्लॉक के हिसाब से चलती रहती है, सेल डाल दो चलती रहेगी, मगर अब उसमें क्वेश्चन आ जाता है, उसी में क्वेश्चन ये आ जाता है कि घड़ी में 90 डिग्री का क्या मतलब है, घड़ी में 180 डिग्री का मतलब क्या है, घड़ी के अंदर 270 डिग्री का मतलब क्या है, घड़ी में जो 12 o'clock बजा रहा है घड़ी वो उसके अंदर कौन सी दिशा दिखा रहा है। तो इस टाइप की जितनी भी सिद्धांतिक चीज़ें होती हैं जो पहले से बनी हुई हैं उसके ऊपर कितने टाइप के लॉजिक लगते हैं, वो सारी दिमाग को कैसे ट्रेंड किया जाता है इस तरीके के लॉजिक लगाने के लिए, वो सारी चीज़ें अपन रीजनिंग या इंटेलिजेंसी के अंदर अंतर्गत देखते हैं। तो इस सिलेबस की तैयारी अलग से होती है, अधिकांश पेपरों में, अधिकांश एग्ज़ाम्स में, अधिकांश जगह जहाँ परीक्षाएँ होती हैं वहाँ इस चीज़ का पेपर अलग से होता है, इसके नंबर अलग से होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। कई जगह पर थ्योरी दे दी जाती है और कहा जाता है कि ऑप्शनल टिक करें इसके। तो इस टाइप की चीज़ों पे जो तर्क लगाना है वो अपनी समझ के ऊपर आधारित होता है, हमारी समझ क्या है, और उस समझ को विकसित करने के लिए इस टाइप के सिलेबस को रीड करना पड़ता है, इस पर स्टडी करना पड़ता है, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इस सेक्टर में अभी के लिए इतना ही, आगे मैं इस सेक्टर में और आपको जानकारी दूंगा, तब तक के लिए देखते रहें चैनल।